हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पिति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और मतलब कि हमने देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली आज हम उसी को स्टडी करने वाले हैं कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा सेक्टर था हमारा, यानी मेनली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जब तक कि मतलब इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन से थे। सबसे पहले कहते हैं लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कहते हैं लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्शन तो लो प्रोडक्टिविटी होगा। कहते हैं प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट व्हाइल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पहले तो ये बता रहा है प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट से मतलब है कि इतना प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी पर हेक्टेयर लैंड पे कितना आउटपुट निकला उसका मतलब प्रोडक्टिविटी से है। और अगर आप बात कर रहे हो टोटल आउटपुट की तो टोटल आउटपुट जितना निकल के आया वो मतलब है हमारा प्रोडक्शन की, इतना हमारा प्रोडक्शन हुआ। कहते हैं बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कहता है कि दोनों के दोनों यानी प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी दोनों ही कम थे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इफ अरोज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मींस एज वेल एज इंसेंटिव ऑन पार्ट ऑफ कल्टीवेटर द पीजेंट्स। कहते हैं कि क्योंकि इसकी क्यों था लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी, इसलिए थी क्योंकि जो पीजेंट्स थे जो फार्मर्स थे उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता था, ना मॉनेटरी इंसेंटिव ना नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, और ना ही उनके पास कोई ऐसा साधन था जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। तो क्या 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 बच के रह गया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे, कोई मीन्स नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को इनक्रीज कर सके, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सके, वो नहीं कर सकते थे। ना ही उनको यानी फार्मर्स को मोटिवेट किया जाता था इंसेंटिव्स के थ्रू, मॉनेटरी दे दिया नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं था। तो इस वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी जो उनका प्रोडक्शन था वो लो था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। कहते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 टेबल 1 में शो कर रखी थी प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वाज नियरली 5.2 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर्ड विद इट्स लेवल इन 2018-19। कहता है कि अगर प्रोडक्टिविटी देखें उस टाइम की 1947 की और अब की देखें मतलब 1819 में, तो 5.2 टाइम्स कम थी 1947 के अंदर। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वाज नियरली 4 टाइम्स लोअर इन 1947। जो प्रोडक्टिविटी राइस की थी वो 4 टाइम्स कम थी 1947 में कंपेयर्ड विद इट्स लेवल इन 2018-19। और जो कंपेयर इन्होंने कर रखी है ना वो 1947 के डेटा के साथ 2018-19 की है कंपेरिजन। तो कहता है अगर नॉर्मली हम देखें मतलब 5.2 टाइम्स कम थी उस टाइम की प्रोडक्टिविटी अब के कंपैरिजन में। पहले ये राइस की बता रहे हैं कि राइस की प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स कम थी 1947 में 2018-19 के साथ जब कंपेयर करके देख रहे हैं। उसके बाद लाइकवाइज लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ वीट अगर गेहूं की देखें तो वो 15.5 टाइम्स लोअर एंड दैट ऑफ राइस वॉज नियरली 5.3 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर्ड विद देयर लेवल्स इन 2018-19। तो ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का लेवल बताया है, लेवल ऑफ आउटपुट बताया है वीट का और राइस का कि इतना ज़्यादा टाइम्स कम था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन उस टाइम का बहुत ज़्यादा कम था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है एग्रीकल्चर की हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमें पता ना हो कि क्या होने वाला है, यानी कि अनसर्टेनिटी थी कि ये नहीं पता था कि क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूचर इज अनसर्टेन। कहते हैं एग्रीकल्चर शोड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट। कहते हैं एग्रीकल्चर जो है वो शो कर रहा था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी पता नहीं था क्या होने वाला है एग्रीकल्चर में, हमें कुछ नहीं पता होता था बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा का पूरा हमारा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था, ऐसा कोई वहाँ पे मीन्स नहीं थे कि जिसकी वजह से हम इरिगेशन कर सकते हैं, सब कुछ यानी सारे फार्मर्स इसी के ऊपर डिपेंड थे कि उनके अगर जो भी आउटपुट निकल के आएगी अगर उन्हें पानी चाहिए था तो वो रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड था कि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर नहीं हुई तो बैंड बजेगा, कुछ नहीं, पानी का और कोई सोर्स है नहीं, ना ट्यूबवेल है ना कुछ भी कैनाल्स वगैरह, मतलब कोई प्रॉपर मीन्स नहीं है इरिगेशन का। तो इसकी वजह से क्या था, अनसर्टेनिटी थी कि अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारी फसल अच्छी होगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। कहता है बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट, अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी, वाइल पुअर रेनफॉल इम्प्लाइज पुअर आउटपुट। नो एफर्ट्स वॉज एवर बीन मेड अंडर द ब्रिटिश रूल
टू डेवलप परमानेंट विंस ऑफ इरिगेशन इंक्लूडिंग वेल्स एंड कैनाल्स। कहते ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया गया जिसकी वजह से परमानेंट जो इरिगेशन के साधन है, मीन्स है, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, चाहे उनके अंदर वेल्स की बात थी या फिर कैनाल्स की बात थी। तो किसी भी कुएं को, किसी भी नहर को इम्प्रूव नहीं किया गया जिसकी वजह से क्या हो सके, पानी या इरिगेशन के फैसिलिटी को डेवलप किया जा सके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में कहता है डोमिनियंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कहता है कि जो प्रभुत्व था ना वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का था, यानी कि बस जीविका के लिए, बस निर्वाह के लिए ही फार्मिंग की जाती थी, कोई मार्केट के लिए फार्मिंग यहाँ पे नहीं की जा रही थी। कहता है फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। फार्मिंग था उसको किस तरीके से लिया जा रहा था, बस जीविका के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग की फॉर्म होती है जिसके अंदर जब क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो केवल बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब फैमिली की बेसिक नीड्स कंप्लीट कर दे, इसीलिए क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। देयर इज अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट। बस थोड़ा सा सरप्लस बचता है जिसको मार्केट में सेल किया जा सके। इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, accordingly backwardness prevailed and poverty dominated। तो कहता है क्योंकि मार्केट में इतना नहीं बचाते थे वो कि ज़्यादातर हमारा मार्केट में बिक जाए, बस वो इतना सोचते थे कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी जितना भी एग्रीकल्चर में हम काम लगा रहे हैं, बस उससे हमारे फैमिली की बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाएं, मार्केट में सेल करने के लिए थोड़ा बहुत बचता था, ठीक है उसी से काम चला लेंगे। ये नहीं था कि बस वो मार्केट के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम में। तो उसी की वजह से क्या हुआ, बैकवर्डनेस आई, पिछड़ते गए हम लोग, और क्या हुआ, पॉवर्टी ने प्रभुत्व जमा लिया, पॉवर्टी आती चली गई, गरीबी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में कहता है गैप बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉयल एंड टीलर्स ऑफ द सॉयल। कहता गैप है, बहुत ज्यादा गैप हो गया था ओनर्स ऑफ द सॉयल में एंड टीलर्स ऑफ द सॉयल में, वो तो था ही गैप। कहता है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टरिस्टिक बाय अ गैप बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉयल ऑन द वन हैंड एंड टीलर्स ऑफ द सॉयल ऑन द अदर हैंड। कहता है जो ब्रिटिश राज का एग्रीकल्चर था वो तो इस गैप को ही शो कर रहा है, इस गैप को ही कैरेक्टराइज कर रहा है कि ओनर्स ऑफ द सॉयल एक साइड थे और टीलर्स ऑफ द सॉयल दूसरी तरफ थे। वाइल द ओनर्स शेयर द आउटपुट, दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट, द टीलर्स ऑफ द सॉयल वर मेयरली गिवन एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। तो कहता है जो ओनर्स थे ना उनको बस ये होता था कि जितनी भी आउटपुट हो रही है बस उससे उनको बस ये देखना है कि कितना पैसा वसूलना है अब इन टीलर्स ऑफ द सॉयल से, जबकि टीलर्स एक साइड बस वो ये सोचते थे कि बस हमारी फैमिली की बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए, इतना बहुत है हमारे लिए। जबकि जो ओनर्स थे वो उनको क्या करते जा रहे थे, उनको खाते जा रहे थे, मतलब उनके उनसे कभी टैक्स वसूल ली, कभी कुछ, मतलब उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा वो उनका मतलब हद से ज़्यादा जितना हो सकता था ना वो उनको ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे और सब कुछ उनसे ले रहे थे। अगर प्रोडक्शन वो बेचारे सेल कर रहे थे कि उनकी बस बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बहुत कम रेट दे रहे थे, उनका जो प्रोडक्शन का रेट था वो बहुत कम दे रहे थे उनको, जबकि वो जब मतलब एग्रीकल्चर में अपना काम लगा रहे हैं तो सारा उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, बीज वगैरह लेके आए होंगे, फिर उन्होंने खुद की मेहनत भी की होगी इतनी सारी, लेकिन वो क्या करते थे कि बस इतना नहीं देखते थे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई, बस उनको जो ठीक लगता था उतने पैसे उनको देते थे टीलर्स ऑफ द सॉयल को, और फिर वो क्या करते बेचारे जो टीलर्स ऑफ द सॉयल थे वो उसी से अपना गुजारा चलाते, बेसिक नीड्स कंप्लीट करते, फिर अगली बार फिर से क्या होता। और इसी तरीके से ये भी हो गया था कि जो टीलर्स ऑफ द सॉयल थे वो बेचारे कर्ज में डूबते चले गए थे, ठीक है, क्योंकि ओनर्स उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे हद से ज़्यादा। तो कहते हैं कि ब्रिटिश राज के अंदर बहुत ज़्यादा गैप था ओनर्स ऑफ द सॉयल में और टीलर्स ऑफ द सॉयल में। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। कहते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो लैंड होल्डिंग्स थी, जो टुकड़े थे खेत के होल्डिंग्स थी, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, छोटे छोटे थे और फ्रेगमेंटेड थे, यानी बिखरे हुए थे। जैसे कि अब आपने देखा होगा जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब वो बटे हुए होते हैं कि ऐसे, मतलब जितने भी एकड़ जो भी है जमीन, इस तरीके से एक होता है, मतलब कि एक स्केल है उसको मापने का। लेकिन पहले क्या था कि कुछ ये नहीं पता था कि किसके अंदर, मतलब किसके अंडर कितना कुछ आने वाला है, ऐसे ही उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर रखा था कि बस ये और मतलब ये था कि जिसको जहाँ लगता था वो वहीं पे खेती करने लग जाता था। वो जो टुकड़े थे खेत के वो छोटे छोटे होते थे, स्मॉल स्मॉल और फ्रेगमेंटेड थे, यानी बिखरे हुए थे कि एक यहाँ पे है, मतलब कि जैसे कि एक
पीजेंट एक फार्मर है, उसके अंडर जो आए हुए है ना, मतलब जितनी भी जमीन आई हुई है वो इधर उधर आई हुई होती थी, कि एक तो यहाँ पे है, एक हिस्सा उसको यहाँ पे जमीन में आया हुआ है और एक फिर उधर थोड़ी बहुत ज्यादा दूर जाके आए, तो इससे उसे प्रॉब्लम होती थी कि वो पहले उधर जाएगा फिर इधर आएगा और छोटे छोटे टुकड़े हैं, कैसे देखभाल कर पाएगा इतने सारों की, और फिर अगर उसे पानी पहुंचाना तो किस तरीके से पानी जाएगा इधर से उधर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था। तो यही कहा है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल छोटे छोटे और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थे, लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मीन्स अ पीस हियर एंड अ पीस देयर, तो कहते थे लैंड होल्डिंग्स दोनों थे, छोटे भी थे और बिखरे हुए भी थे। फ्रेगमेंटेड का मतलब कहा कि एक पीस यहाँ पे है लैंड का, दूसरा पीस वहाँ पे है। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, और कहते हैं इसी तरीके से ज़्यादा जो लैंड होल्डिंग्स थे वो अनइकोनॉमिक थे, यानी जिससे कुछ पैसा नहीं आने वाला, जो फायदेमंद नहीं थे, अनइकोनॉमिक थे, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट, यानी आउटपुट तो देते वो कम आउटपुट देते लेकिन हाई कॉस्ट पे देते। तो यही कहा, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट, अनइकोनॉमिक हो गए वो लैंड होल्डिंग्स। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर का ये स्टेटस था, ये इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, और देखते रहिए इंडियन इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट अभी आएगा अपना कल। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।